ट्रैफिक कितना है यार। इसको जो सबसे ऊपर वाला ना वो एरोप्लेन से गिर गया नीचे। जहाँ से हमने प्रवेश बाहर को किया था वैसे हम अंदर को प्रवेश करने वाले हैं हम यहाँ पे, है ना। ये लीजिए सर आपकी टिकट, कुतुब मीनार गेट नंबर 1। एंड अब टिकट बुक करने पड़नी है ऑनलाइन? कर दिया। वाह, हमारे गाइस टिकट बुक हो चुकी है मेट्रो की। एंड अब हम जाएंगे सीधे अंदर एंड सीधे अब उसका इंतजार ही करेंगे मेट्रो का। कितने दूर है, कहाँ से करना है? पहले बैग बुक चेक करा दें। जी सर आपकी टिकट। ओके, इट्स आवर टिकट। मेरी टिकट कर लेगी? हाँ, मेरे पास कार्ड है। तो गाइस अब देखो ये फ़ोन पे स्कैनर है ना मेरा, अब मैं कैसे दिखाऊंगा? इससे जो रेड वाला ना, इसको स्कैनर ये देखो ऐसे कटी जाती चार्ज। बस बस जाते समय दिखाना पड़ेगा है ना, जब एग्जिट करेंगे गाइस तभी दिखाना पड़ेगा। हम आए थे तब यहाँ से, अब जा रहे हैं यहाँ से। ये तो हवा से उड़ती उड़ती जाती है। बस 2 मिनट पे यार, यानी कि हमें 30 मिनट पे पहुंचा दिया अपने कपूतले में। कपूतले में नहीं आता, ये देखो टेक्नोलॉजी भीड़ ही दिखाती है हमेशा। चलो चल चले आ जा। गाइस कितनी भीड़ थी मेट्रो में, हमारा तो ये हो गया चार्ज। देखो चार्ज ना आना नहीं भाई, बहुत ज्यादा भीड़ थी मेट्रो में इस बार, है ना। हद पार भीड़ थी। एंड अब हम जा रहे हैं पटेल चौक, उतरे हैं अपने पटेल चौक में। उतरने के बाद हम जाएंगे इंडिया गेट, ठीक है। एंड इंडिया गेट में आपको भी दिखाएंगे, मैं तो मेरे से गया नहीं कभी भी, बट अब मैं आपको दिखाएंगे, हम भी खुद देखेंगे इंडिया गेट। तो चलो यहाँ से एग्जिट मार लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। नाइस जगह। एक गाय सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि फोन बंद कर, मैं उसी टाइम बंद करते हैं। अब गाइस ऑटो लेंगे और कहाँ जाएंगे, इंडिया गेट। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर, यानी कि गाइस 3 किलोमीटर दूर है इंडिया गेट। एंड ऑटो वाले ने मेरे हिसाब से 5 मिनट में तो पहुँचा ही देंगे, बट 5 मिनट कुछ ज़्यादा ही है, इन्हें तो 2 मिनट में पहुँचाया ना इंडिया गेट। इंडिया गेट जाना जी, ज़्यादा नहीं है, कितने ज़्यादा है? 50 चले आ गया, 7 कर लो। टीटी मत बेटा ना, तब भी छोड़ो आप, और बोलो ठीक है ना। चल रही है, चल ठीक हेलो कोई हम तो खुद ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखो ब्लॉगिंग चल रही है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं इंडिया गेट, मेरे पीछे देख ही रहा होगा।
ठीक है गाइस, हमारे पीछे दिख ही रहा होगा इंडिया गेट आ चुका है एंड हम जाने वाले हैं अब इंडिया गेट की तरफ। ठीक है, ऑटो से हमने लिया वहाँ से ऑटो एंड वहाँ पे हमें छोड़ के चला गया एंड ये इंडिया गेट पहुँच गए। देखो गाइस इंडिया गेट, गाइस यानी कि व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, गर्मी भी उतनी है। ये गाइस अपना इंडिया गेट है जहाँ की इंडिया गेट के बासमती चावल मिलते हैं हमारे हमें, है ना। वो है कहाँ जाना है? अंडरपास से जाते हैं ना, रोड पर। अच्छा अच्छा, ये क्या? अच्छा ये है राजपथ, यहाँ से सीधे हमने जाना है। ठीक है, एंड ये सारे रस्ते रस्ते हो गए। ठीक है, ये अपना इंडिया गेट है गाइस, ये ऊपर सबसे ऊपर हमारा इंडिया गेट। सारे यहाँ पे फोटो फोटो खींचने आते हैं गाइस, देख लो इंडिया गेट। एंड गाइस मानोगे नहीं, मैं पहली बार आया हूँ इंडिया गेट पर, पहली बार। पहले भी आ चुका हूँ जब मैं छोटा बच्चा हूँगा, बट अपनी होश में मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस। अबे झरना है पानी का, देर इज वन झरना ब्रो, सॉरी वन नदी, नदी नदी, देर इज वन नदी, वन वी कैन से शॉर्ट इन शॉर्ट वे द शॉर्ट रिवर, निक्की जी रिवर। ठीक है, जे आप पंजाबी गल करिए तो ये निक्की जी रिवर है। ठीक है, एक छोटी सी लेक है और फवारा निकल रहा है देखो पानी का, एंड आगे सर चिकट चिकट है तभी आगे नहीं जा सकते हम। एंड ओ ठंडा ठंडा हो रहा, ठंडा ठंडा, ओ हाँ ठंडा ठंडा गाइस, हो रही आइसक्रीम ठंडी ठंडी, आ जाओ ठंडा ठंडा, चलो आ जाओ। अगर जूस है तो ज़्यादा मजा आता है, जूस हो गया सर, आइसक्रीम में लगी है जूस नहीं होती देख लेते हैं। तो गाइस आपको इंडिया गेट थोड़ा ठंडे होने के बाद ज़्यादा गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया सही कर लो, बट यहाँ पे कूड़ा ही बहुत है यार, डस्टबिन है नहीं है गाइस। देखो अब हम अपना जो अपना वो आपको याद है वाला पुल, बाहुबली का पुल, जब वो टूट गया था बीच में से, राजमाता बीच में से जा रही थी वो अग्नि को लेके, वैसा ही गाइस ये पुल बन चुका है अभी, अगर यहाँ पे टूट गया फिर टूट गया फिर हम भी वो लेके चलेंगे एंड इंडिया गेट का नहीं, इंडिया गेट नहीं, यहाँ पे कोई बोल बोल नहीं टाइप की, वो हमारे आगे आएगी और हम वहाँ से ऊपर टूट के जाएंगे गाइस। ये अपना आ गया खाने पीने वाला स्पॉट एंड यहाँ पे कूड़े वाले हैं, रखे हैं कूड़े वाले, इधर से जाना उधर चलो। हाँ यहाँ पे हर एक वैरायटी के गाइस आइसक्रीम पड़ी हुई, क्वालिटी वॉल्स क्रीम बेल अमूल एंड वी आर चूजिंग दी क्वालिटी वॉल्स। क्वालिटी वॉल्स की 100 रुपीज़ कैसे लेनी देख ले, कोर्नेटो लेना क्या? तो गाइस आइसक्रीम ले ले ली है, दो दो लिए, कौन सी लिए? चोको वनीला। तो गाइस हमें ये खाने के बाद ही मिलते हैं आपको, फिर आपको इंडिया गेट घुमाते हैं बार बार से ही। ठीक है चलो, पहले इसको ना निकाल के डस्ट में पा दे। हाँ ऐसे ही, वेरी गुड वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा सीखा दिल्ली में रह के मोदी जी के साथ मोदी जी साफ सुथरा रहना चाहिए, दिख रहा है अभी भी पता के लिए तो गाइस आपको ये सब कुछ खाने पीने के बाद मिलता है। तो उन्होंने दिखाई दिया, वहाँ से हम ऐसे आए थे, यहाँ से हम आइसक्रीम खाने गए थे एंड यहाँ से हम ऐसे कि यहाँ पे ऐसे ना, हम बीच में से जाएंगे नीचे से, है ना। प्लीज़ यूज अंडर पास टू एंटर द इंडिया गेट, ओके, एंड हम जाएंगे नीचे से, है ना इंडिया गेट। नहीं गाइस हम जाएंगे अंडरग्राउंड। ठीक है, जैसे मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड गए थे, वैसे इंडिया गेट के लिए भी अंडरग्राउंड जाएंगे, तो वहाँ पे हम इंडिया गेट के बिल्कुल सामने निकलेंगे, बिल्कुल सामने, एंड अब आपको दिखाएंगे क्लोजअप लुक ऑफ इंडिया गेट, है ना। ये कलरफुल होगा ना इंडिया गेट, है ना कलरफुल, कितने टाइम बाद? 3-4 साल, मैं तो कभी आया ही नहीं मैं तो बचपन में आया हूँगा उसके बाद मैं आया ही नहीं गाइस, तेरे की मुझे आपके कारण मुझे भी फायदा हो रहा है देखने में, बट गर्मी का भी बहुत फायदा हो रहा है एंड मैं इसको अपने साथ ले गया कि ये भी मेरे साथ गर्मी रहेगा तो गाइस अब चलते हैं घर से। कैसे आया था अभी, क्या बूट बन गया? बूट बन गया गाइस आपके लिए स्पेशली, तो गाइस प्लीज़ गाइस जितना हो सके उतना प्यार दीजिए इस ब्लॉग का, मेरे जितने भी ब्लॉग हैं सबको, ये गाइस आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो हम लेके आते रहेंगे आगे के लिए। ओहो, तो गाइस वी रीच आर डेस्टिनेशन, वहाँ से तुर के आ गए एंड ये पहुँच गए हम इंडिया गेट के लग गए, और देखो वहाँ से लग गए पहुँच गए
इनमें लिखा क्या हुआ? हाउ ट्रट टू डेथ टू द इंडियन आर्मीज हु फील, लिखा ना इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बट बहुत ब्रिकी ब्रिकी में लिखा ना, पढ़ना ही यार। तो गाइस आपको मैं इंडिया गेट के शूट दिखा रहा हूँ थोड़े बहुत, जो मैंने सिनेमैटिक में, नहीं कि सिनेमैटिक में भी होंगे, नॉर्मल वीडियो में वो देख के मुझे बताना कैसे। सो गाइस आपको तो मैं थोड़े बहुत शूट दिखाई दिए इंडिया गेट के, जितना हो सके मैंने आपको और से पूरी कोशिश की है कि पूरा बढ़िया तरीके से दिखाऊं। एंड गाइस आपको एक खोजी दिखाता हूं, यानी कि आपने नोटिस किया होगा सबसे ऊपर लिखा है इंडिया, है ना, ये देखो इंडिया लिखा हुआ है। एंड इसके साथ और भी लिखे हुए हैं आर्मीज उर्मीज डेट ऑफ आर्मीज, ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसके दीवारों पर। एंड यानी कि आर्किटेक्ट मुझे लग रहा है क्या, कौन होगा इसका बताओ? मैं मुझे लग रहा है शायद कोई तगड़ा ही होगा। तो गाइस यानी कि हमें तो पता नहीं है वैसे तो, बट बनाया वो अच्छा है गाइस, यानी कि कलर इतना ब्राइट है ना इसका, सही है ना, सही कलर ना, कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड लोकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है गाइस ये वाली। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको, अगर जो नहीं आया है इंडिया गेट देखने के लिए, ठीक है वो बताओ, क्योंकि मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको पता है कैमरे में कैसा लग रहा होगा? बहुत ऊंचा है गाइस, बहुत ज़्यादा ऊंचा है पूरा। ऐ यार कोई पैलेस ही है ना, पैलेस की एंट्रेंस है, सही बात है। हाँ ऐ होती है सामने वो। ओहो यहाँ से तो गाइस कुतुब मीनार जितना ऊंचा लग रहा है, सही गल है कि कुतुब मीनार ज़्यादा ऊंचा है, कुतुब मीनार बराबर लग रहा है, है ना ये गाइस कुतुब मीनार के बराबर तो नहीं लग रहा यार, इसका ऊपर वाला इसका ज़्यादा ऊपर है। हाँ नहीं या फिर वो पतला था तब जैसे मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, ये मोटा है जैसे कि मोटे की हाइट होती है ना वो हमें कम लगती है, पतली ज़्यादा लगती है, वैसा ही ये सीन है गाइस। साइड से देख लो, वो देखो फूल मुरझा अभी बंद ही है फूल, यानी वो नहा रहा है, वो साफ कर रहे ना, फुहारा साफ कर रहा है ना, वो फुहारा साफ कर रहे गाइस। टूरिस्ट अट्रैक्शन, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसा आगे से वैसे पीछे से है ना, सेम है डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन है जैसा गाइस आगे से वैसे पीछे से ही है, सेम डिज़ाइन है, कोई डिज़ाइन में काम वादे नहीं है। ऐसे लोग आते ना बार बार से, हाँ इनके लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है, दिल्ली वालों के लिए बोरिंग है, हाँ तुम्हारे लिए बोरिंग है, हमारे लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है गाइस, है ना। अब पंजाबी लोग हैं, अब ये हमारे वहाँ से भी अमृतसर आएंगे तो तुम्हें वो बढ़िया लगेगा, हमारे के लिए वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि हाँ कि सेम तो देख चुके, बस ये चीज़ होती है एंड और भी चीज़ें होती है बकरी बकरी। तो गाइस थोड़े बहुत शॉट में दिखा दिए इंडिया गेट के, ठीक है सारे आगे से लेके पीछे तक सबको दिखा दिया, तो आपको कैसा लगे शॉट्स को मैं सेक्शन में जरूर बताना। एंड चलो अब गाइस एक्चुअली में बताऊँ पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुंह का रंग तो सारा उड़ ही गया सच्ची में बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ मुंह का रंग, दोनों का उड़ गया एंड गर्मी बहुत ज़्यादा, बट देखने में गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो कहने की कहते ना प्योर अपनी फैमिली के साथ जरूर आना देखने के लिए, बहुत यानी कि वधिया चीज़ है, बाकी फोटो शूट के लिए वधिया है, वीडियो बनाने के लिए वधिया है, सब कुछ वधिया वधिया है गाइस, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस आप आना जरूर आपको मज़ा बहुत आएगा।
गाइस ये जो है ना बीच में जो गाड़ियां चल रही हैं सबको नजर आ रहा होगा, आपको आगे जगह दिखाऊंगा ठीक है। ये बीच पे रोड है ठीक है ना, नाइस इंडिया गेट, वी एंजॉयड अ लॉट ठीक है इंडिया गेट पे। एंड तो तुम जा रहे हो एंजॉय बहुत बढ़िया बढ़िया गाइस, जो मैं रोड के बारे में बात कर रहा था तो सर ये वाला रोड ये चल रहा है कि गाड़ी का नजर आ रही है ये। चलो बाय बाय इंडिया गेट कर दिए, बाय बाय हैं, बाय बाय इंडिया गेट कुतुब मीनार पे, चलो बाय बाय कहाँ नहीं इंडिया गेट को बाय बाय कर दिए पूरा बोलना। तो गाइस अब यहाँ से हमने कहाँ जाना, यहाँ से हमने जाना वो सिटी कनॉट प्लेस जाना है अब हमने ठीक है, अंडरग्राउंड चलो वो वहाँ पे जाके देख लेंगे दिखा देंगे। तो गाइस अभी जाना हमने कनॉट प्लेस ठीक है, सी पी जो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ठीक है, एंड वहाँ पे जाके अंडरग्राउंड बाजार है कह रहा है कोई, तो वहाँ पे चलते हैं एंड आपको वो बड़ा बाजार भी दिखाते हैं। चलो मेट्रो फिर डबल पड़ जाएगा तो गाइस आप अगर तो बाय बाय इंडिया गेट को, क्योंकि अब हम चले हैं सी पी की तरफ कनॉट प्लेस जो कहते हैं ये अपनी लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज क्या है ये जगह का नाम ही है। तो अभी चलेंगे हम कनॉट प्लेस एंड वहाँ पर आपको दिखाएंगे, हाँ दिल्ली फ्रॉम सी पी। एंड ये पूरा रास्ता है जहाँ से अपनी 26 जनवरी एंड 15 अगस्त है ना रैलियाँ निकलती है जहाँ से, यानी यहाँ से वो निकलता है क्या बोलते उसको परेड परेड क्या होती है सब कुछ चलता है यहाँ से, ये पूरा लंबा रास्ता ठीक है गाइस। वो है वो भवन है वो सामने है गाइस, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा छोटा सा लग रहा है आपको सामने, हाय हाय ये देखो गाइस पसीने दिख रहे हो ना आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा, स्ट्रगल इज रियल गाइस। कैसे पूछ रहे सवाल न्यूज रिपोर्टर सवाल पूछ हमारे से पूछो हमारी मांगे पूरी करो। तो गाइस अब हम चलते हैं ऑटो में बैठ के कनॉट प्लेस ठीक है, तो आपको थोड़े क्लिप दिखाता रहता हूँ मैं बीच में क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी उसमें क्या ना शॉर्ट शॉर्ट में आपको दिखाते जाते हैं। चलो चलो ओ हो कितना कितना बड़ा है क्या वही जहाँ पे जा रहे हैं मार्केट ही है, मार्केट है और बड़ी मार्केट है बहुत बड़ी है, हमें छोटे मोटे का क्या है ना ब्लॉग बना रहा है वीडियो बना के आया ना बस मार्केट है। अच्छा जी ट्रैफिक क्या तुम्हारे यहाँ। तो गाइस कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं ठीक है, ये मेरे पीछे जिंदा भी है सारा कनॉट प्लेस है, यानी यहाँ पे हाईफाई है ना लोग सारे लग ही रहा मुझे है ना 40 रुपये का नींबू पानी मिल रहा है यहाँ पे, हमने सोचा चलो प्यास लग गई चलो इसके लिए भी खर्च कर लेते हैं 40 रुपये यानी 80 रुपये लग गए हम दोनों को ठीक है। तो हम अभी 80 रुपये दे के ऑटो से आए हैं कनॉट प्लेस पे ठीक है, और 80 रुपये का नींबू पानी पी रहे हैं, यानी कि ठीक है और गला सूखना सूख रहा है तो करने पड़ना। चलो चेल बनाना चेल, आपको अब नींबू पानी पीने के बाद ही मिलते हैं क्योंकि तो अभी थोड़ा एनर्जी गेन कर ली उसके बाद ही आपको घुमा पाएंगे और ठीक है गाइस। तो अभी बन रहा नींबू पानी एंड उसके बाद आपको मिलता है नींबू पानी, चीयर्स ज़्यादा कट नहीं है ठीक है नॉर्मल है। चलो स्किन खराब होती है हाथ पे अच्छा ये है। तो गाइस ये है अंडरग्राउंड क्या कहते हैं कनॉट प्लेस पालिका बाजार, पालिका बाजार कहते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है लेगा हम कुछ नहीं पैसा नहीं है रे। हाँ
वैसे यहाँ पे एक चीज़ वधिया हो गया कि ए सी मिल रहा है, जैसे मेट्रो में ए सी मिलता है ना, मैं यहाँ पे भी ए सी मिल रहा है, बहुत वधिया। ए सी वधिया है देखिए ऊपर सिरे में है जी, वाह ए सी लगा हुआ तो लोग ताश के लिए आ रहे हैं यहाँ पे कोई बैठा नहीं होता, ए सी लगा हो तभी यहाँ पे लोग वैसे बैठे हुए हैं, ये तो वैसे बैठता नहीं, फ्री मुफ्त का ए सी है। मुझे तो ना पता सस्ता कहाँ का तुरना ही पड़ना ब्रो हमने सोचा कि हमें अपने आप ऊपर पहुँचाएगी एलिवेटर, बट ये नहीं पता था कि हमें खुद जाना पड़ेगा ये बाहर आ गए तो क्या कर वाह दो देखो जिंदाबाद झंडे, जिंदाबाद झंडे, जिंदाबाद, सही गल है यार। यहाँ का पालकी बजाय का कुछ समझ नहीं आया कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ से बाहर ही आ गए, उसने खुद ही हमें धक्के मार के बाहर कर दिया हरकतें देख के हमें धक्के मार के बाहर, उनको पता था हमने कुछ लेना लोना आया नहीं है, हमें है धक्के मार के गैस बाहर कर दिया। देखो गैस ओहो परफॉर्मेंस चल रही है, हमने तो बाहर जाना है, कहाँ से निकलना है कैसे। नाइस ब्रो नाइस, सो इट्स द कनॉट प्लेस, कैनॉट प्लेस, कैनॉट प्लेस, सीपी कैनॉट प्लेस, वही करो सीपी एंड पालकी बाजार का तो हमें कुछ समझ नहीं आया कहाँ से कहाँ खत्म हो गया, कहाँ से कहाँ शुरू हो गया, एंड वहाँ से हम बाहर में धक्के मार के गाइस बाहर निकला है, रोड क्रॉस करके आ गए। सही गल है, तो गाइस ये है अमीरों के शोरूम, जो भी आपको दिखाऊंगा वो अमीरों के शोरूम है, हमारे शोरूम नहीं है। यार गाइस आपको मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगा बीच बीच में क्लिप्स क्लिप्स करके दिखाऊंगा गाइस। अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन है ना, हाँ राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन है ना, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं सीधे। पहले हम पहुँचते क्योंकि लत्ते दर्द कर रही है, ऊपर हाथ भी दर्द करने शुरू हो गया, अभी इन्हें घुमा घुमा के कहना तो अब से गए सीधे वहाँ पे मिलते हैं। चलो तो गए मेट्रो स्टेशन पहुँच गए, एंड फिर जरा वो ही हिसाब करना पड़ेगा, ये बार कोड मिला है इसको स्कैन करना है वहाँ पे, एंड वो खुल जाएगा टिंग टिंग टोंग, देखना ये खुलेगा टिंग टिंग टोंग, ये मुझे फील पता क्या दे रहा है, एयरपोर्ट ही फील दे रहा है नीचे ये नोएडा जाने के लिए
ओके, यानी कि हमने नीचे आना है। ये तो बहुत बड़ा सोच है। हाँ यहाँ पे तो गए रश ही बहुत है। बस ट्रेन का बस अंदर रखते हैं। हाँ हैं यहाँ से आना ऊपर के वहाँ से आना चलना नहीं पड़ेगा। ठीक है आए थोड़ा इससे पीछे से आए थे थोड़ा तो खाली खाली था तो थोड़ा बड़ा सुकून सुकून से आ गए। अब आगे तो रश ही दिख रहा है। अब आपको बाहर निकल के मिलते हैं। तो गैस पानी की बोतल लेकर ले ली है यहाँ से अपने मेट्रो स्टेशन से ले ली है 20 रुपए की पानी की बोतल है। कि मुझे लगा शायद 30 रुपए की होगी 10 रुपए एक्स्ट्रा होंगे बट ठीक है 20 रुपए रीजनेबल है। रीजनेबल क्या है उतना ही उतनी कॉस्ट है 20 रुपए ठीक है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके ऐसी मार्केट जहाँ पे गरीब से गरीब अमीर से अमीर आता है शॉपिंग करने के लिए एंड वो है सरोजनी मार्केट। ठीक है तो गाइस यहाँ पे अमीर से अमीर गरीब से गरीब आता है एंड हम भी गरीब ही हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो पहले कराएंगे चेकिंग उसके बाद चलेंगे अंदर एंड आपको सबको दिखाएंगे। ये होगी मार्केट चालू। अच्छा स्नैचिंग का देख ही रहा बहुत ज़्यादा रश है भाई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अमीर से मेरी गरीब से गिर रहा था हमारे जैसा गरीब। तो गाइस आप गए कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा इसके तो बस क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है वो आपको मैं बाँह में चल के बताऊँगा। ठीक है तो अब आपको मिनी मिनी क्लिप्स दिखाएंगे। कॉल्ड साउथ स्क्वायर नॉन वेज वालों के लिए बढ़िया जगह हमारे लिए हम तो वेज है बराबर हमारे लिए नहीं बढ़िया जगह। हम गए पहले तो यहाँ से निकलेंगे अपने इलाके में पहुँचेंगे फिर वहाँ स्कूटी उठाएंगे एंड फिर हम खाने जाएंगे यहाँ पे नहीं हमने खाने की जो पहले खाने से लाएंगे वहीं पर स्कूटी के साथ ही लागे लगे स्कूटी के साथ लागे लगे ही है वहाँ पर हम खाए पियेंगे थोड़ा ऐश करेंगे ये तो सारा अपना नॉन वेज मैगडी भी है तो बट चलो वहाँ पर जाकर खाएंगे अपने लागे लागे खागी। सही है भरावा बिल्डिंग कितनी ऊंची बनाई हुई है इन्हें तो इंडिकेट फेल कर दो। तो गाय सरोजनी मार्केट है ना उधर से हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि हम पूरा थक चुके हैं पैर हमारे ना दर्द करने शुरू हो गए चंगी तरह। तो गाय हमने सोचा आप चल दो निकलो यहाँ से हम लड़कों के लिए बेकार है कुड़ियों के एकदम कोई नूर है चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो ठीक है सबके बहुत तगड़ा है। तो गाइस अब हम लग रहे हैं अपनी मेट्रो एंड मेट्रो पे बैठ के हम पहले अब जाएंगे खाने पीने के लिए अपने एरिया में ठीक है और वहाँ से स्कूटी चेक के फिर सीधे घर आपको जितना हो सके मैंने घुमा दिया एंड आगे हम कल भी देखेंगे कल भी एक दिन है जो जहाँ पर हम घुमाएंगे इनको तो पहले चलो मेट्रो लबने है ना सीधे जाना सीधे ही है चलो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मेट्रो से आ चुके हैं अपने स्कूटरी पे एंड टूरिस्ट यू हैव टू साइड करेंगे वो स्कूटरी एंड तो गाइस अब हम स्कूटरी पे आ चुके हैं अपनी ठीक है चलते हैं दिखाते हैं। बोलिया खराब। तो गाइस बर्गर किंग आ चुके हैं खाने पीने के लिए और खाए पियेंगे पेट पूर पूजा करेंगे उसके बाद ही सुबह से सिर्फ घर का खाना खा के आए हैं बस उसके बाद कुछ नहीं खाया कुछ नहीं खाया एंड अब हम खाने लगे बर्गर किंग के आके वो भी कितने बजे 8:20 पे ये देखो ठीक है तो अब हम खाएंगे बर्गर किंग का। तो गाइस हमने ऑर्डर कर लिया अपने हैं दो
कौन से थे? बर्गर, क्रिस्पी वेज बर्गर है ना। तो वैसे हमने दो कराए हैं सर में कोल्ड कॉफ़ी के, इसके अंदर स्कीम चल रही थी, दो करा ली है एंड बिल बन चुका 600 रुपये का। अब समझ नहीं आ रहा 600 रुपये का बिल कहाँ से बन गया। मील तो 169 के थे एंड 600 रुपये का बिल कहाँ से बन गया। चालीस चालीस हो गया करते हैं कैसे बना है। आगे मिल अपने अपने गेरे बर्गर थे यार, क्रिस्पी ठंडे की लग रहे, गर्म है हम ठंडे हो जाएंगे, ये फ्राइज होगी तो हम गए तो खाने के बाद ही मिलेंगे तभी एनर्जी आएगी। सही कर लो। तो गाइस खा पी के बाहर आ चुके हैं, फ्रेंच फ्राइज पैक करा लिया है दो नमूनों को लेके घर पे। एंड गाइस सच्ची बात बताऊं, मुझे स्वाद लगा सच्ची सच्ची बताओ गाइस, ठंडा दिया ठंडा बर्गर, हमसे टिक्की थोड़ी बहुत ही गर्म थी, बाकी सबको ठंडा था बर्गर। हम वहाँ पे इसलिए नहीं बोले क्योंकि पब्लिक हो रही बैठी हुई थी, बट ठंडा पूरा बर्गर ठंडा था ठीक है, बस टिक्की को छोड़ के प्रेफर करने लायक नहीं है ये अपना बर्गर की। नहीं है यार नाम क्या है, बस ब्रांड चलता है वही तो कर लो। पहले गाइस मैं अपना मैकडी प्रेफर कर रहा था बट वहाँ पे नहीं रहा, तो मैं बर्गर किंग, जैसे हमारा शहर में बर्गर किंग है वहाँ का स्वाद है, वहाँ का तो गर्म गर्म देते हैं बट यहाँ पे जाता है कि आपका इतना ठंडा है। हम चलेंगे घर की तरफ ठीक है, आपको पहले अपनी सवारी लेके चलेंगे घर की तरफ एंड फिर आपको घर चल के बताएंगे कि हमारी हालत हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, यानी कि कितना बड़े टूर पे पीछे चलते घर पे। बट बर्गर किंग कभी नहीं आएंगे, सिद्धांत तो कभी नहीं आएगा। सही गल है यार, मैकडी कितना भरा हुआ है तभी हम गए नहीं, रश था गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश था तब करके नहीं हम गए, हमें तभी बर्गर किंग प्रेफर किया बट बर्गर किंग भी ऐसा निकलेगा हमें पता नहीं था, तो बेटर ऑप्शन वहीं खा लेते भी। हाँ रेडी रेडी बेस्ट ऑप्शन है, रेडी पे खा लेते रेडी के बर्गर वो भी नूडल वाले, सबको बेस्ट ऑप्शन है गाइस, बेस्ट ऑप्शन वही सस्ता। सही गल है, चलो हाय 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 गाइस लगते गई आज हमारी स्कूटरी का सफर कर रहे हो तो कर दो ओ कितना नंबर था ये गाइस, मजा आया वैसे देखा जाए तो मजा आ गया पूरी चंगी तरह ठीक है, बाकी आपको ऊपर चल के सबको बताएंगे कि क्या हुआ क्या कंधे में दर्द है, कंधे में दर्द होगी बहुत ज़्यादा, कंधे में लत लत में अलग दर्द है कंधे में अलग दर्द। हाँ जी हेलो डैडी खोलना, चलो हो गया हो गया। ये यहाँ पे ऐसा सिस्टम है यहाँ से आवाज़ भी आती है, ऊपर से फ़ोन लगा हुआ है ना, फ़ोन लगा के ऐसे करके हेलो हेलो आते हैं आते वाले, यहाँ ये है इनका नंबर है, नहीं हमारे घर वाले का नंबर सीधे ऊपर से ना ठीक है, और यहाँ सीधे दरवाजा खोल जाता टंग करके, बात वहाँ देख लो कोई आया नीचे खोलने के लिए, कोई भी नहीं आया खोलने के लिए, हम तो ऐसे खोल के अंदर घूम रहे थे, तो कितना वधिया सिस्टम है ना, ये सिस्टम बड़े वधिया लगा। अरे क्या हुआ है थक गए हैं बस ठीक है, तो हम गए पहले ऊपर जाएंगे, यानी कि कम से कम 40 बोरियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे हमारे हाल बेहाल है ना। यहाँ देखा कुंडी लगा रहा है, बस ऊपर से एक बड़ा प्रेस करा था यहाँ से टक खुल जाता है, एक ही वजह लगी बैठ, तो अब गए 40
हाँ चौथे मंजिल से गए, यानी कि 40-50 पूरे चढ़ के नीचे आने की कोई लोड नहीं है, ठीक है सर, यहाँ से टक करो ऊपर आ जाएगा। अब हमने 40-50 पौड़ी चढ़नी है ऊपर, तो उसके बाद मिलते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं एंड कपड़े कुपड़े उतार तूर के घर वाले रिलैक्स कपड़ों में बैठ चुके हैं। एंड वो देखो क्या करेंगे, वो क्या आवाज पीछे से क्या आ रही है, आवाज कौन है पीछे, हो यार तू था उसको बेचारे को फिस दिया और अयन कैसा है, हेलो तो बोल देगा इसको, हेलो कर दो। सब्सक्राइब नहीं करेंगे अब जब तू ब्लॉग बनाएगा, सब्सक्राइबर तुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तुम, और देखो एंड बाकी सारे देखो ये घर वाले तो साथ में गए नहीं थे हमारे, ठीक है। ये देखो ये अपनी मार्केट मुड़कर घूम घूम के आए हैं एंड ये मार्केट से मेहंदी लगा के नहीं आई, घर में मेहंदी लगा रही है देखो, क्योंकि कल राखी है ना, तब करके लेके बना रहे हैं मेहंदी मुंदी। तो खाना, अब खाना खाने का टाइम हो गया, ठीक है हम भी खाएंगे थोड़ा बहुत खाना एंड एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं अपने भाई से कैसा रहा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ब्रो, बहुत खतरनाक डेंजर, क्यों क्या हो गया, क्योंकि हमारे पैरों के वो एक्सपीरियंस बोल रहा, हम नहीं बोल रहे इन्हें कि पैर टूट गए, पैर टूट गए, अच्छा पैर बोल रहे हैं बहुत खतरनाक डेंजर, नेक्स्ट डेंजर कभी कभी इतना चला दो कि हद पार यानी कि डेंजर है मेरे लिए, डेंजर डाल लगते बहुत ज्यादा कर रही है, ठीक है सेठ तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत है ना, सेठ ठीक है, सेठ ठीक है बट लगते का ही है कम, लगते थक गए हैं यानी कि तुझसे गाइस बहुत मदद कर रही है एंड मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत बढ़िया रहा है ना, एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, घूमना फिरना सही था, परफेक्ट था है ना, जैसे हमने सोचा था हम मेट्रो ट्रेन से जाएंगे है ना, यानी कि कहते हैं ना कि अपना कोई वो नहीं हुआ, सब कुछ एक्सपीरियंस हमने करी, महसूस करी मेट्रो का ठंडक, मेट्रो की भीड़ ही देखी हमने, ट्रैफिक भी देखा। हाँ मैंने एक चीज़ देख ली है दिल्ली के, यहाँ पे जीतना होता सबने ट्रैफिक लाइट पे जीतना होता सबने, एक से बढ़कर एक ऑटो ड्राइवर तो इतने तगड़े हैं, उन्होंने ऐसे कट मारने छू करके कट मारने गड्डी के अंदर के लिए, ऐसे है ऑटो ऑटो ड्राइवर देख लो आप, बहुत तगड़े है ऑटो ड्राइवर, वही आगे ऑटो ड्राइवर बहुत ज्यादा तगड़े लगे, गड्डी वाले भी ज्यादा तगड़े लगे अब यानी कि इस व्लॉग को यहाँ पे आने करते हैं, ठीक है उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको, अगर आपने ये चीजें विजिट करनी ना आप कर सकते हो, बट गर्मी का ध्यान रखना, ठीक है टूरिस्ट अट्रैक्शन है सारी चीजें एंड घूमने में मजा बहुत ज्यादा आएगा, अपनी अगर फैमिली घूमने जैसे घूमोगे तो आप, ठीक है गाइस बस गर्मी का ध्यान रखना सही बात है ना, गर्मी का ध्यान रखना, ओके ओके ओके, यानी कि गर्मी का ध्यान रखना है एंड रुमाल लेके जाना है, पानी की बोतल जरूर लेके जाना, ठीक है पानी बहुत प्यास लगती है, ठीक है एंड आप घूमे आओ घूमो फिरो, अगर जिसने नहीं देखा इंडिया गेट कुतुब मीनार रेड फोर्ट, अभी कल का जो ट्रिप निकलेगा ना कल का जो ब्लॉग आएगा पार्ट थ्री कह सकते हैं, पार्ट थ्री होगा जो भी होगा पार्ट, ठीक है वो जो ब्लॉग आएगा वो भी एक्साइटिंग होगा जैसे आज का ब्लॉग का। तो गाइस बस आप ऐसे हमारी सीरीज को प्यार करते रहिए, पार्ट यानी कि जो दिल्ली का अपना टूर है उसको प्यार करते रहिए, ठीक है गाइस हम ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। हैं मुझे इंटरप्शन कर दिया आपने, अच्छा क्या बनाया, अच्छा मामी जी ने बनाया आज पनीर है ना, चलो मामी जी ने पनीर बनाया है आज एंड हम ये थोड़ा बहुत खा लेंगे टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम तो आपको पता ही हम तो खा पी के आए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत टेस्ट टेस्ट कर ही लेंगे, ठीक है सबसे। तो बस अब आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट तरीके अगले पार्ट में, तो तब तक के लिए टेक केयर बाय एंड ये देख लो ये देख लो ये देख लो, ओ ये क्या मारा ये क्या मारा तो अब हम खाने लगे हैं रोटी, तो अब आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट इसके पार्ट में दिल्ली वाले पार्ट में, ठीक है तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।